हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। और आज है सैटरडे, लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक। और आई थिंक आई यूजुअली गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, और मैं मेरे हस्बैंड को 7 o'clock को उठाती हूँ, बिकॉज उनका उतना कुछ काम उस समय होता नहीं है। सो आई गेट अप एट 6 o'clock, मैं ब्रेकफास्ट और उनका टिफिन का सब तैयारी कर लेती हूँ, एंड देन जब मासी आती है तब मैं उनको उठाती हूँ। वी हैव सम मीन्स ल्यूक वॉर्म वाटर, और सब हमारा होता है चाय कॉफी उसके बाद ही होता है। बट आज थोड़ा लेट हो गया था, एंड मतलब इस वजह से मतलब थोड़ा टाइमिंग डिस्टर्ब हो चुका है हमारा। वो ऑफिस ऑलरेडी जा चुके हैं एंड नाउ आई एम अलोन एट होम, और मेरा अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है। मैं आज से ट्राई कर रही हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ, बिकॉज मेरा मतलब बहुत ऐसे काम होते हैं जो साइमल्टेनियसली साइड बाई साइड चलते रहते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट कर लिया है, और अब जाके मतलब आई थिंक 4 या 5 months के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। और थोड़े मतलब दिवाली के टाइम पे मैंने बहुत साफ सफाई की हुई थी, बट स्टिल बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने उस समय पेंडिंग पे ही रखा था, बिकॉज तबीयत खराब करके और फिर कुछ करना उसके बाद फिर मैं बेड पे पड़ जाऊँ, वो मीन्स फिर तो पूरा ही घर वापस से ही डिस्टर्ब हो जाना है। इसलिए फिर मैंने उस समय छोड़ दिया था। मैंने कहा ठीक है चलो बाद में आराम आराम से करते हैं। सो यस, और कुछ चीज़ें हैं ना, मीन्स मैं एक हैबिट मैंने डाली हुई है कि मैं उठने के बाद जस्ट जैसे ये जाते हैं उसके बाद 8 बजे के बाद मैं मीन्स मेरा बेड बनाना, नाश्ता वगैरह सब कंप्लीट करके, किचन वगैरह क्लीन करके, मतलब मैं उसके बाद फ्री हो जाती हूँ। बट आज वो नहीं हो पाया, तो मुझे अभी बेडशीट वगैरह चेंज करना है। द ओनली थिंग इज कि मैं ना यूजुअली सब लोग वीकेंड्स पे ऐसा मतलब संडेज को चेंज करते हैं, बट द थिंग इज कि मैं सैटरडेज को ही चेंज करती हूँ। ट्वाइस वीक मैं चेंज करती हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब मैं लेट गो भी कर देती हूँ। बट यस, अब आज मुझे बेडशीट चेंज करना है, क्योंकि क्या होता है ना, संडे को ये भी घर पे होते हैं तो उतना टाइम नहीं मिल पाता कि मीन्स अभी ये सब में लगे रहो, फिर आप खुद पर्सनल स्पेस नहीं दे पाते हो। तो इस वजह से मतलब मैंने एक हैबिट बना के रखा है कि जो भी मेरा हाउस होल्ड वर्क है एटलीस्ट मैं संडेज को मतलब थोड़ा वो रिड्यूस कर सकूँ, ताकि मीन्स हम दोनों को अपना स्पेस मिल सके। दैट्स वाई, बिकॉज मेरा भी काम होता है मंडे टू सैटरडे और इनका भी होता है, ओनली संडे वी गेट, और हमें मतलब कि इतना भी होता है कि चलो थोड़ा टाइम तो स्पेंड कर सकते हैं। दैट्स वाई, सो यस, और चलो मैं अभी फटाफट से बेडशीट चेंज करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। मेरे यहाँ पे 2 बेड है, आपने लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में भी देखा होगा, तो एक बेड है ना वो दीवान है, तो उसका मुझे पूरा सेट करना है, क्योंकि मैं जो ट्रॉली वगैरह लेके आई हूँ ना, मीन्स उसको मुझे वापस बैक टू प्लेस पे भी रखना है, और जो अभी विंटर्स ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है तो मुझे विंटर के कपड़े भी निकालने हैं। लास्ट में मैंने जब रखा था तो मतलब अभी एक्चुअली रात को गर्मी वैसे तो होती है यहाँ पे, बट सुबह को ठंडी होती है मीन्स, तो इस वजह से ब्लैंकेट वगैरह भी सब वॉशिंग और ऐसा सबके लिए देना है। सो चलो, चलो मैं फटाफट से बेड बना लेती हूँ।
सो माई बेड इज़ ऑल डन नाउ। ये कपड़े आइनिंग के लिए रखने हैं। और मैंने है ना इस तरह से ना एक ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया था अमेजोन से। एक्चुअली यहाँ पे कोई कोई ऐसे क्या बोलते हैं उसको वार्ड्रॉब स्टाइल का नहीं है, तो मैंने ना इस तरह से ऑर्गेनाइजर्स ऑर्डर किए थे अमेजोन से, सो दैट सब कुछ इन प्लेस रहे। इस तरफ मेरे नाइट ड्रेसेस हैं, इस तरफ उनके नाइट ड्रेस है, इस तरफ टी शर्ट्स हैं, उधर हमारे वो दो रैक में उनके अंडर गारमेंट्स और वो सब हैं, यहाँ पे मेरे डेली कुर्तीज वगैरह है। और यहाँ पे मैंने मतलब कि ये मैं एक्चुअली रेंटेड अपार्टमेंट में रह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती, तो ये भी मुझे अभी क्लीन करना है, ये सब मुझे अभी क्लीन करना है, तो ये पार्ट अभी मैंने रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ना एक कर्टन रख दिया है, मतलब ऐसे डस्ट वगैरह ना जमे इस वजह से। और ये मेरे हैट्स हैं, इस तरफ उनके ऑफिस के ड्रेसेस वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पे मेरी जो बुक्स है ना वो है, ये डायरीज वगैरह रखी हुई है, जो डेली एसेंशियल्स मेरे वर्क रिलेटेड है वो इस तरफ रखे हुए हैं। यहाँ पे लैपी रखा है, तो जब यूज होता है तब तक ठीक है, अदरवाइज मैं ये कर्टन्स लगा देती हूँ, तो डस्टिंग का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। सो फाइनली आई एम डन, अब मुझे ये क्लीन करना है। सो फाइनली मेरा बेड वगैरह कंप्लीट हो गया होगा, और आपको पीछे हनुमान चालीसा सुनाई दे रही होगी, बिकॉज थोड़े दिनों से ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, ट्रैवलिंग वगैरह की वजह से भी, और मुझे यूरिन इन्फेक्शन भी हो गया है। आई डोंट नो, ट्रेन में अगर आप ट्रेन की वजह से ही हुआ है, मैं ट्रेन में आई थी और इस वजह से ना मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, तो मैं 2-3 दिन से सही नहीं चल रही हूँ इस वजह से। तो वन ऑफ माय वेरी बेस्ट डियरेस्ट डार्लिंग मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि अगर आप सही नहीं हो और आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो एवरी डे अगर आप हनुमान चालीसा बोलते हो या सुनते हो तो यू विल फील बेटर। और लिटरली मैं ये 2 दिन से फॉलो कर रही हूँ, एंड मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा है। मैं मतलब इतनी जल्दी मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ, बट मतलब ये चीज़ मुझे सही लगी, तो यस मैं फॉलो कर रही हूँ। अगर आप लोग को भी अगर ऐसा कुछ हो ना, अंदर से फीलिंग अच्छी नहीं आ रही हो या फिर तबीयत थोड़ी बहुत अच्छी नहीं हो, तो आप सुबह उठ के ना के और मतलब एक बार ज़रूर बोलना, यू विल फील बेटर। सो मैंने अभी अभी फ्लिपकार्ट का एक हॉल किया है, एंड लेट मी शो यू हाउ माय हाउस लुक्स राइट नाउ। सो व्लॉगिंग इज नॉट एट ऑल दैट ईजी, मीन्स लोगों को ऐसा लगता है कि अरे व्लॉगिंग करने में क्या है, बट ये इतना आसान नहीं होता। फ्रेंकली स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि अरे यार क्या है, कैमरा उठाओ और कुछ भी बोलना है बोलो, बट नो ऐसा नहीं है। मीन्स ये जो अभी मैंने फैलाया हुआ है वो लिटरली मुझे ही संभालना है, सब कुछ अभी वापस से सेट करना है अपने। मेरा फोटोशूट बाकी है अभी, जो मैं शाम को करने वाली हूँ। यहाँ पे ना मुझे लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मीन्स मुझे थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा, तो फोटोशूट करने के बाद मैं इसको फाइनल पैकिंग वगैरह करके रख देने वाली हूँ। तो मेरा कपड़ा ऑलरेडी जो मैंने वॉशिंग मशीन में फर्स्ट लॉट लगाया था वो हो गया है, तो मैं फटाफट से वो रख के सुखा के फिर मैं आपको मिलती हूँ।
अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ थोड़ा मेरा काम कंप्लीट करने के लिए, तो आज का दिन यहाँ तक रखते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मैं ना एक्चुअली जो काम मुझे मतलब जैसे जैसे कंप्लीट होता जाता है ना, मैं उसको निपटाती जाती हूँ। मतलब पेंडिंग पे आप रखते जाओगे ना, तो वो और भी लोड बढ़ने वाला है, तो मैं इस तरह से इतना टाइम पास नहीं करती। और मेरा अभी अपडेट्स वगैरह भी व्हाट्सएप पे अपडेट वगैरह करना बाकी है, तो येस। और जो मतलब ज्वेलरी में इंटरेस्टेड है उन तो मेरा व्हाट्सएप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो, और जो ऑर्डर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। सो यस, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड इट। मतलब ये मेरा डेली रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि लेट हो जाता है, बट ये मेरा डेली रूटीन है, सो आई यूजुअली फॉलो दिस ईच एंड एवरी सिंगल डे। So yes, I hope you liked it, and we'll meet soon next time. So do like, share, comment and subscribe to my channel. That is Chetna Ajay Kumar. Bye bye.